हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्वांटम संख्याएं, जो कि नीट जेट और ICAR RPSC सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अब क्वांटम संख्या है क्या? क्वांटम संख्या को डिस्कस करने से पहले मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन करूँगा कोष और उपकोष को लेकर, तो क्वांटम संख्याएं आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी क्वांटम संख्याएं आपके लिए। तो सबसे पहली बात हम लोग करें कोष की। हमने पढ़ा भी था पहले भी, बोहर मॉडल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कोष। पहला कोष है, दूसरा कोष है, ये मान लो तीसरा कोष हो गया, और ये मान लो चौथा कोष हो गया। तो क्वांटम संख्याओं को डिस्कस करने से पहले हम कोषों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कोषों से ये जो डिटेल अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो क्वांटम संख्याएं आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। पहले कोष को हमने के से, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, और चौथे को एन से डिनोट किया था। अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन भरे थे, पहले कोष में हमने पढ़ा था कि हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2n² सूत्र हमने लगाया था, 2n² फार्मूला था हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का। तो पहले कोष में हमने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे थे, 2 × ये तो हो गया 2 × 1² 2 × 1² 2n² है, ये हो गया 2 × 2² 4 × 2 = 8। तीसरे में हमने भरे थे 18 इलेक्ट्रॉन, इसका था 2 × 3² क्योंकि 2n² सूत्र है अपना, 3² 9, 9 × 2 = 18, और ये था 32 इलेक्ट्रॉन चौथे में, 2 × 4² 2 × 4² ये इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब हम देखें उपकोष कौन कौन से होंगे। हमारे पास टोटल 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी और एफ। एस पी डी और एफ, एस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहां सिर्फ एस ही आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाने हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब क्लियर कर लें, एस में हम भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एस ही आएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 और 6 = 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 18 भरने हैं, तो एस में 2 आ गए, पी में 6 आ गए, और डी में 10 आ गए, तो 2, 6, 8 और 10 = 18। अब भरने 32 इलेक्ट्रॉन, तो एस में आ गए 2, पी में आ गए 6, डी में आ गए 10, और फिर एफ में आ गए 14, तो 32 पूरे हो जाएंगे। देख लो, 2, 6, 8, 8 और 10 = 18, 18 और 14 = 32। तो पहले कोष में सिर्फ एस उपकोष आएगा, दूसरे में एस और पी दोनों उपकोष आएंगे, तीसरे में एस पी डी तीनों उपकोष आएंगे, चौथे में एस पी डी एफ चार उपकोष आएंगे। क्योंकि ये पहला पहला कोष है इसलिए इसको 1s लिखते हैं,
यानी पहले कोश का एस उपकोश है ये, ये दूसरा कोश है तो इसको लिखते हैं 2s 2p, यानी ये दूसरे कोश का एस उपकोश है, ये दूसरे का पी उपकोश है। फिर तीसरा है तो 3s 3p 3d, चौथा है तो 4s 4p 4d और 4f। तो इस तरह उपकोश भर देते हैं। अब उपकोश में स्थित होते हैं कक्षक, उपकोश में स्थित होते हैं कक्षक। अब एस उपकोश में हर कक्षक के अंदर, एक कक्षक में हम दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो। एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब एस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? दो। तो इसका मतलब इसमें एक ही कक्षक है। क्लियर। एस में हम अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें एक ही कक्षक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 6, तो इसका मतलब इसमें तीन कक्षक हैं। इसका मतलब इसमें तीन कक्षक है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो 6 पूरे होंगे। क्लियर है बात। तो तीन कक्षक कैसे हैं? क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं और पी में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए तीन कक्षक आ जाएंगे, क्योंकि तीन कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब फिर देख लें एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? दो, अतः एक ही कक्षक पर्याप्त है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6, अतः यहाँ हमारे को तीन कक्षक चाहिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें, दो इसमें। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 10, अतः हमारे को यहाँ पांच कक्षक चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम कक्षक का निर्धारण कर लेते हैं। तो ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2, तो कक्षक 1। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6, यानी कक्षकों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आधी कर देनी है, क्योंकि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अतः दो इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक 1 है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधे कक्षक हैं। तो ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, अतः कक्षक कितना है? 1। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, अतः कक्षक कितने हैं? 3। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, अतः कक्षक कितने हैं? 5। अब आगे चले हम तो चौथे कोश पर चले, तो ऐसे में दो इलेक्ट्रॉन अतः एक कक्षक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन अतः तीन कक्षक, डी में 10 इलेक्ट्रॉन अतः पांच कक्षक और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अतः सात कक्षक। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे कक्षक कर देते हैं। तो बहुत ही इजी सिस्टम है। पहले कोश है, कोश में उपकोश होते हैं, उपकोश में कक्षक होते हैं और कक्षक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देखें, कक्षक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये कक्षक है, जैसे एस कक्षक, इसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यूं अपवार्ड दिखाया जाता है ऊपर की ओर और एक इलेक्ट्रॉन यूं डाउनवार्ड दिखाया जाता है नीचे की ओर। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया है उसका जो चक्रण होता है वो क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है वो, और जो इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड दिखाया है उसका जो चक्रण होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण है। अब आगे समझें तो इस प्रकार देखें, हम सबसे पहले हमारे पास कोश है, कोश में क्या है? उपकोश, उपकोश में होते हैं कक्षक और कक्षक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या होता है? कोश। कोश में होते हैं क्या? उपकोश। उपकोश में होते हैं क्या? कक्षक, और कक्षक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और फिर इलेक्ट्रॉन। शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल और फिर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कोश होता है, कोश में क्या होते हैं? उपकोश। उपकोश में क्या भर जाते हैं? उपकोश में क्या होते हैं? कक्षक। कक्षक में भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसी आधार पर हमारे पास क्वांटम संख्याएं हैं। ये चार चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए, तब हम इलेक्ट्रॉन तक पहुँच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही ज्ञान करने के लिए हमें चार संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जो क्वांटम संख्या
हमें कोश की जानकारी देती है उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से लिखी जाती है, स्मॉल एन से। जो क्वांटम संख्या हमें उपकोश की जानकारी देती है उसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल एल से लिखी जाती है, स्मॉल एल से। जो क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी देती है उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, स्मॉल एम से लिखी जाती है। और जो क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एस से लिखते हैं। इस प्रकार टोटल चार क्वांटम संख्याएं हमारे पास आती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले कोश है, कोश में क्या होते हैं उपकोश, उपकोश में क्या होते हैं कक्षक, कक्षक में भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोश को बताने वाली मुख्य क्वांटम संख्या है, उपकोश को बताने वाली द्विगंशी क्वांटम संख्या है, और कक्षक को बताने वाली चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताने वाली चक्रण क्वांटम संख्या है। अब थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होता है, कितना भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4। पहला कोश है तो मुख्य क्वांटम संख्या 1, दूसरा कोश है तो मुख्य क्वांटम संख्या 2, तीसरा कोश है तो मुख्य क्वांटम संख्या 3, चौथा कोश है तो मुख्य क्वांटम संख्या 4, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहले कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1, दूसरे कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2, तीसरे कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3, चौथे कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 होती है। और किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है इसका सूत्र 2n स्क्वायर होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 या 3 बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का मान 2n स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ये मुख्य क्वांटम संख्या है जो हमें कोश की जानकारी देती है, और किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर होती है। फिर आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो हमें उपकोश की जानकारी देती है, जो ये बता देती है कि इसमें एस उपकोश आएगा, पी उपकोश आएगा, डी उपकोश आएगा या एस उपकोश आएगा, एस पी डी या एफ उपकोश आएगा। एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या एस पी डी एफ, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है। अब आप देखें द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को बताती है, तो ये उपकोश आ गया। क्लियर? एस उपकोश है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो बुक में फार्मूले लिखे होते हैं वो भी बना दूंगा। एस उपकोश है तो एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। तो अगर आपको पूछ लेता है पहले कोश में द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा तो वो 0 होगा, अतः पहले कोश में सिर्फ एस उपकोश होता है। अब देखें दूसरे में आए तो एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 0, पी उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 1, एस उपकोश के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। फिर देखें एस के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितनी, 3। क्लियर? तो हर बार जो द्विगंशी क्वांटम संख्या शुरू हुई वो 0 से शुरू हुई। देखें आप किसी भी उपकोश की देख लें आप लोग, पहले कोश में 0 है, दूसरे में देखें 0 से स्टार्ट है, तीसरे में देखें तो भी 0 से स्टार्ट है, चौथे में देखें तो भी 0 से स्टार्ट है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का
जो फार्मूला लिखा होता है किताब में, एल का जो मान लिखा होता है किताब में, एल बराबर जीरो से स्टार्ट, तो ये जीरो से ही होएगी, चाहे वो पहला कोश हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो चौथा हो। अब कहाँ तक जाएगी वो देखें, जाएगी कहाँ तक, चौथे कोश में देखें आप। अगर कोश चौथा था तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का समापन हुआ तीन पे, तीन पे समापन हो गया। अगर कोश तीसरा है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का समापन हुआ दो पे, यानी कोश n के मान से, मुख्य क्वांटम संख्या के मान से इसकी, इसका जो मान रह रहा है वो एक कम रह रहा है अधिकतम मान। अगर मुख्य क्वांटम संख्या तीन है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या दो है अधिकतम मान, मुख्य क्वांटम संख्या चार है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या अधिकतम मान तीन है। मुख्य क्वांटम संख्या अगर दो है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का अधिकतम मान एक है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम रहता है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या एक है तो एक से एक कम करोगे तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान शून्य है। क्लियर? तो ये जीरो से शुरू होती है और जाती कहाँ है, इसका अधिकतम मान कहाँ तक रहता है, एन माइनस वन तक रहता है, एन माइनस वन तक। पुट कर करके देख लें, अगर कोश पहला है, कोश पहला है तो मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान एक होता है, एन का मान एक होता है। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, देखो एल बराबर जो सूत्र है जीरो से एन माइनस एक तक, जीरो से एन माइनस एक तक फार्मूला बना अपना, एन का मान कितना है एक, तो जीरो से एक माइनस एक तक, जीरो से एक माइनस एक तक यानी जीरो से जीरो तक, एक माइनस एक जीरो ही होगा, जीरो से जीरो तक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अतः पहले कोश के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है वो शून्य होता है, अतः द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान शून्य होने के कारण हमें पता लगता है कि पहले कोश में सिर्फ एस उपकोश ही होगा, पहले कोश में सिर्फ एस उपकोश ही होगा। अब दूसरे के लिए देखें, एल का जो मान है, एल का मान दूसरे कोश की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे कोश की मान, दूसरे कोश को लेकर चल रहा हूँ, तो जो एल का मान है दूसरे कोश के लिए वो जीरो से एन माइनस एक तक, और कोश दूसरा ले रहा हूँ मैं तो एन का मान दो हो जाएगा, तो जीरो से दो माइनस एक तक, जीरो से दो माइनस एक तक, जीरो से दो माइनस एक तक करूँ तो जीरो से एक तक। अब जीरो से एक तक जाऊं तो क्या क्या आएगा, जीरो भी आएगा और एक भी आएगा। तो दूसरे कोश में जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा वो जीरो भी होगा और एक भी होगा, दूसरे कोश में जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा वो जीरो भी होगा और एक भी होगा। जीरो होगा तो एस उपकोश आएगा, एक होगा तो पी उपकोश आएगा। क्लियर? जीरो है तो एस उपकोश, एक है तो पी उपकोश, अतः दूसरे कोश में एस उपकोश भी होता है और पी उपकोश भी होता है। अब तीसरे में पुट करके देखें, तीसरे से तीसरे में पुट करके देख लो, एल का जो मान होता है वो जीरो से एन माइनस वन तक होता है, और तीसरे कोश के लिए एन का मान तीन हो गया, तो जीरो से तीन माइनस एक तक, जीरो से तीन माइनस एक तक, अब जीरो से तीन माइनस एक यानी दो तक, तो अगर हम जीरो से दो तक पढ़े तो जीरो भी आएगा, एक भी आएगा और दो भी आएगा। तो तीसरे कोश में द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जीरो भी आएगा, एक भी आएगा, दो भी आएगा। तो तीसरे कोश में द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जीरो आया तो एस उपकोश, एक आया तो पी उपकोश, दो आया तो डी उपकोश भी होगा। अतः तीसरे कोश में एस उपकोश भी होता है, पी उपकोश भी होता है और डी उपकोश भी होता है। वो वैसे भी हमें पता है कि एस पी डी होने हैं, वो तो क्वांटम संख्याओं से एक्चुअल में पता लगा था, लेकिन वर्तमान में हमें ध्यान है तो उससे हम अटैच करके चले क्वांटम संख्याओं को तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या थी जिसका सूत्र बनता है जीरो से एन माइनस एक तक। अब कक्षक के लिए देखें, एस में कितने कक्षक होते हैं, एक, पी में कितने कक्षक होते हैं, तीन, डी में कितने कक्षक होते हैं, पांच, और एफ में कितने कक्षक होते हैं,
सात। तो जितने कक्षक होते हैं ना उतनी ही चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एफ उपकोश के लिए, एफ उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा, तो एफ उपकोश में आपको पता होना चाहिए कि कितने कक्षक होते हैं। तो एफ उपकोश में सात कक्षक होते हैं, अतः एफ उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याएं भी सात ही होंगी। तो ये ध्यान रखना, जितने कक्षक होते हैं उतनी ही चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। ऐसे में पूछ जाएगा डी उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा, तो डी उपकोश में कितने कक्षक हैं, पाँच, अतः चुंबकीय क्वांटम संख्याएं भी पाँच ही होंगी। ऐसे ही पी में कितने कक्षक हैं, तीन, तो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं भी तीन ही होंगी। ऐसे में कितने कक्षक हैं, एक, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या भी एक ही होगी। तो क्लियर, इस प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जितने कक्षक होते हैं उतनी ही चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब वो वैल्यू क्या क्या है, देखो कैसे तैयार करेंगे हम। फार्मूला भी आपका बुक वाला फार्मूला ले आऊँगा मैं, बिल्कुल जो बुक में फार्मूला दिया हुआ उस फार्मूले पर भी हम पहुँच जाएंगे। एस के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान शून्य, शून्य, सेंटर वाला जो कक्षक है उसको शून्य लिखते जाना, बीचों बीच वाले कक्षक को शून्य करते जाना, शून्य, इसमें तो है ही एक तो शून्य हो गया, इसमें तीन है बीच वाले को शून्य कर दिया, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव में चलने देना, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव में चलने देना, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव में माइनस एक माइनस दो, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव में प्लस एक प्लस दो, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव में चलने देना माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव में चलने देना प्लस एक प्लस दो प्लस तीन। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्याएं आ जाएंगी आपके पास। जैसे आपसे डी के लिए पूछ ले, डी के लिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान कितना है, तो माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो, तो टोटल पांच चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो, तो होगी पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच हैं कौन कौन सी, माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो। ऐसे ही एफ के लिए कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, सात, तो वो सात हैं कौन कौन सी, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, तो सात होगी टोटल। पी के लिए कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, तीन, तो वो हैं कौन कौन सी, माइनस एक जीरो प्लस एक। एस के लिए कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, एक, और वो है कौन सी, शून्य। क्लियर, अब इसका फार्मूला क्या बना देखो। अब पहले द्विगंशी क्वांटम संख्या से कंपेयर करके हमारी बुक में इसका फार्मूला लिखा होता है, एम का जो मान होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो कहां से कहां तक जाएगा। देखो एफ के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या कितनी थी, तीन, एफ के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या तीन थी, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहां से शुरू हुई, माइनस तीन से, और खत्म कहां हुई, प्लस तीन पे। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या तीन थी तो चुंबकीय क्वांटम संख्या माइनस तीन से शुरू हुई प्लस तीन से खत्म हुई। क्लियर, डी के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या दो थी तो अब आप चुंबकीय क्वांटम संख्या देखिए माइनस दो से शुरू हुई प्लस दो पे खत्म हुई। तो यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो माइनस एल से शुरू होती है और प्लस एल पे जाके ख़त्म होती है, माइनस एल से शुरू होती है और प्लस एल पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो माइनस तीन से शुरू होगी प्लस तीन पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये एल का मान है, तो एम का जो मान होगा वो माइनस एल से प्लस एल तक होगा। तो अगर मैं एफ़ के लिए लिखूँ, एफ़ के लिए एम का मान, तो एफ़ के लिए एल का मान मेरे को पता होना चाहिए कितना है, तीन, तो माइनस तीन से शुरू होगा प्लस तीन पे ख़त्म होगा। तो माइनस तीन से अगर मैं प्लस तीन तक जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, ये सारे आंकड़े मेरे पास आएंगे। आ रही है बात समझ। तो m का जो मान होता है, m का मान माइनस l से प्लस l तक होता है, अतः कुल एम कितने होंगे, कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कितनी होंगी, कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कितनी होगी वो समझे हम लोग। तो माइनस एल से वो फार्मूला क्या लिखा होता है हमारी किताबों में, उस फार्मूले तक पहुंचेंगे हम लोग। तो माइनस एल से शुरू होती है प्लस एल पे ख़त्म होती है,
तो माइनस एल से प्लस एल तक अगर मैं जाता हूँ तो बीच में शून्य मिलेगा मेरे को, क्लियर। माइनस से प्लस तक पहुँचेंगे तो सेंटर में शून्य मिलेगा ही मिलेगा। जैसे माइनस तीन से प्लस तीन तक जाता हूँ मैं, तो माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, तो सेंटर में शून्य मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। तो माइनस एल से मैं प्लस एल तक जाता हूँ तो बीच वाली डिजिट जीरो मिलनी ही मिलनी है। तो इसमें एल कितने हो गए, दो, दो तो एल ही हो गए, क्लियर। एक एल माइनस एल वाला हो गया, एक एल प्लस एल वाला हो गया, तो दो तो एल ही हो गए। और एक डिजिट मेरे को और मिलेगी, कौन सी, शून्य, तो एक डिजिट और भी मिलेगी। तो उस एक डिजिट के लिए मैंने प्लस वन लिख दिया, तो मेरे पास फार्मूला बन गया 2L प्लस वन। टोटल जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 2L प्लस वन होती हैं। 2L तो ये हो गए, माइनस L प्लस L वाले 2L हो गए, और प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि एक डिजिट और मिली मेरे को, कौन सी, शून्य, तो 2L प्लस वन फार्मूला बन गया। अब देखो जैसे F के लिए मान लो, F के लिए मेरे को कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याएं निकालनी है। वैसे तो मेरे को पता होना चाहिए भाई F में कितने कक्षक हैं, सात, अतः चुंबकीय क्वांटम संख्याएं भी सात ही होंगी। अब मान लो फार्मूले से मैं निकालना चाहता हूँ, F के लिए मैं M का मान निकालना चाहता हूँ, तो मैं फार्मूले में रखूँगा दो, और F के लिए L का मान कितना होता है, तीन, तो दो इंटू तीन प्लस एक, तो दो इंटू तीन कितना होगा, छः, छः प्लस एक कितना होगा, सात। तो इस प्रकार F के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं आएंगी वो सात आएंगी, जो माइनस L से प्लस L तक होंगी, यानी माइनस तीन से प्लस तीन तक होंगी, क्लियर। ऐसे ही हम D के लिए भी पुट कर सकते हैं, ऐसे P के लिए पुट कर सकते हैं, बाकी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपसे पूछेगा P के लिए कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, तो आपको 2L प्लस 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगला बाई चांस अगर यूँ पूछ ले कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का सही मान है, तो सही मान अपने को पता होना चाहिए 2L प्लस 1 है, फार्मूला तो अपने को पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके फिर निकाल लें। जैसे F के लिए पूछ ले, F के लिए अब अपने कहीं फार्मूला लगाएं 2L प्लस 1, फिर कहीं 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 7, सीधा पता होना चाहिए अपने को F में कितने कक्षक होते हैं, सात, अतः सात चुंबकीय क्वांटम संख्याएँ होती हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं, पाँच, अतः पांच चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आना है। डी के लिए एल का मान कितना है, दो, तो दो इंटू दो प्लस एक, यानी चार प्लस एक, यानी पांच, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन, अब चले चक्रण क्वांटम संख्याओं पे, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। एक चक्रण होता है क्लॉकवाइज और एक चक्रण होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर चक्रण क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ, अगर चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है तो चक्रण संख्या माइनस हाफ होगी। तो इस प्रकार हम लोग चक्रण संख्या का पता क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या माइनस हाफ होती है। अब ये आपकी क्वांटम संख्याएं थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बहुत ईजी तरीके से। पहले इस टेबल को क्लियर करें आप लोग, फिर आपके लिए क्वांटम संख्याएं कुछ भी नहीं है। अपने क्या है कि सीधा क्वांटम संख्याएं करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है अपने को, क्योंकि अपने को सूत्र रटने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं तो अपने मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, क्लियर। तो पहले अपना ये क्लियर करें, फिर चक्रण क्वांटम संख्याओं पे आएं। अब देखो आप, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, 2n² हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए किसी उपकोश में, किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अब अपने को ये पता लग गया कि किसी उपकोश में कक्षक कितने होते हैं, 2L प्लस 1 कक्षक होते हैं, 2L प्लस 1 कक्षक होते हैं, क्योंकि जितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होंगी उतने ही कक्षक होंगे। तो किसी उपकोश के कक्षक आपको पता लग गए। अब देखें, किसी उपकोश में कक्षक, अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, 2L प्लस 1 होते हैं, जहां L क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो कक्षक चुंबकीय क्वांटम संख्या से पता लगते हैं, तो जितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उतने ही कक्षक होते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होती है, 2L प्लस 1, यानी कक्षक भी कितने हैं, 2L प्लस 1। अब मैंने आपको बताया था हम एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं,
तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी में, देखो आप किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोग सूत्र रटते रहते हैं लेकिन सोचने की बात है सिर्फ, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी उपकोष में कक्षक कितने हैं, 2L+1 है, ये तो कक्षक हैं, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, तो 2L+1 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2×2L+1, समझ आ गई बात, कक्षकों की संख्या के डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कक्षकों की संख्या कितनी है, 2L+1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2×2L+1, ये इलेक्ट्रॉन का सूत्र बन गया। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अगर आपको कक्षक पता है भाई कक्षक कितने होते हैं, 2L+1 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कक्षकों की संख्या से डबल होंगे, जैसे 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, 7 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14, तो 2L+1 कक्षक है तो 2×2L+1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं, फार्मूले पुट करके भी निकाल सकते हो, बाकी फार्मूला बनाना सीखना है हमें कि कैसे बना है। जैसे एफ के लिए एल का मान कितना होता है, 3, तो अगर मैं एफ के लिए एल का मान 3 पुट करूँ तो 2×3+1, क्योंकि फार्मूला मेरा 2L, एफ के लिए एल का मान 3, तो 2×3+1, तो 2×6+1 यानी 2, तो 2×2L+1 फार्मूला है अपने पास। एफ के लिए एल का मान 3 पुट कर दिया मैंने तो 2×3, एफ के लिए एल का मान कितना है 3, तो 2×3+1, तो 2 कितने 6+1 कितना 7, तो ये बन गया 2×7=14, अतः एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो वैसे ही पता है अपने को भाई एफ में 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का सूत्र अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए भाई किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2×2L+1 होते हैं। तो फार्मूले बनाने सीखने हमने, आपको एक एक फार्मूला मैंने बनाना सिखाया है, तो कृपया इसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं तैयार करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू।